स्पेन के एक शहर में बहुत मौसलाधार बारिश हो रही होती है और तेज बारिश के कारण हर तरफ शहर में पानी जमा हो जाता है और उसी दिन एक बैंक को बिना सिक्योरिटी के खोला जाता है जो कि उन्हें बहुत भारी पड़ता है क्योंकि उसी दिन कुछ चोर आकर उस बैंक को जब्त कर लेते हैं और सारा का सारा माल वहां से लेकर चले जाते हैं। साथ में वो लोग एक ऐसी चीज को भी लेकर चले जाते हैं जिसमें कुछ पॉलिटिशियंस का ब्लैक सीक्रेट होता है और वो ब्लैक सीक्रेट ये था कि वहां के प्रेसिडेंट ने किसी को कत्ल किया था और वो सब उसी ब्लैक सीक्रेट में मौजूद होता है। इसीलिए रॉबर्ट्स इस बात का फायदा उठाते हैं। जैसे ही वो माल वहाँ से लेकर चले जाते हैं और बैंक से जाने के बाद वो उसी चीज को मीडिया में दे देते हैं और जब मीडिया को इस बात की खबर होती है तो सारे पॉलिटिशियंस और प्रेसिडेंट को जेल हो जाती है और हमें ये पता चलता है कि जो रॉबर्ट्स थे जिन्होंने इस बैंक को चोरी किया था ये पेशे से रॉबर्ट्स नहीं थे। इन्हें इस काम के लिए बहुत भारी रकम मिली थी और ये सब करने पर मजबूर थे क्योंकि इनके सर पर बहुत बड़ा उधार भी था। इस मूवी का नाम है टू स्टील फ्रॉम थीफ। ये एक स्पैनिश मूवी है जो कि 2016 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। अब हम इस मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें स्पेन के एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही होती है और ये बारिश काफी टाइम से हो रही होती है। तेज बारिश के कारण शहर में हर तरफ पानी जमा हो जाता है और फिर हमें एक लड़की को खाया जाता है जिसका नाम सैंड्रा होता है। सैंड्रा दरअसल एक बैंक में काम करती है लेकिन आज उसका बैंक में आखिरी दिन होता है क्योंकि उसे इस जॉब से निकाल दिया जाता है लेकिन वो फिर भी अपना आखिरी दिन बिताने के लिए बैंक चली जाती है। अब बैंक जाने के बाद वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते क्योंकि सिक्योरिटी लोग बहुत लेट हो चुके होते हैं तेज बारिश के कारण। इसीलिए सैंड्रा और उसकी टीम को बिना सिक्योरिटी के आज बैंक को खोलना होता है लेकिन ये करना उनके लिए बहुत भारी पड़ जाता है क्योंकि कुछ चोर वहाँ पर आकर उस बैंक को जब्त कर लेते हैं और वहाँ पर बैंक में मौजूद सब लोगों को अपना बंदी बना लेते हैं। उन चोरों का एक मेन लीडर होता है जिसका नाम लोको होता है। लोको ये देखता है कि वहाँ पर बैंक का एक बंदा छुपके से पुलिस को कॉल मिलाता है तो लोको उसे देख लेता है और उसे गन पॉइंट पर रख कर उसे सब लोगों के सामने बेइज्जत करता है और उसे कहता है कि देखो ये कितना वफादार है अपने इस बैंक के लिए कि पुलिस को कॉल मिला रहा था। और इसके बाद वो कहता है कि इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। सब लोग वहाँ पर इसके लिए क्लैपिंग करते हैं और उसके बाद लोको उसे गन से मार देता है। अब वहाँ पर मौजूद सैंड्रा भी होती है जो कि बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोको अपने बंदों को सिक्योरिटी कोड्स को ट्रेस करने के लिए लगा देता है ताकि वो किसी तरह लॉकर्स को खोलकर सारे माल को चोरी करके चला जाए। अब इसके बाद दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है कि न्यूज वालों को और मीडिया को और पूरे शहर को ये खबर हो जाती है कि बैंक को कुछ चोरों ने लूट लिया है। इसीलिए पॉलिटिशियंस वगैरह सबको ये खबर मिल जाती है और वो सब इसी बात में लगे होते हैं कि किसी तरह बैंक को इन चोरों से महफूज किया जाए। दूसरी तरफ हमें डिटेक्टिव टीम को भी दिखाया जाता है जो इन चोरों से कांटेक्ट करना चाहते हैं और लोको उनसे बात भी करता है लेकिन लोको को उसकी किसी भी बात पर असर नहीं होता और वो फौरन से कॉल को कट कर लेता है। इधर दूसरी तरफ लोको का एक बंदा जिसका नाम गैलो होता है वो जमीन के अंदर से टनल बनाता है और इन सब का मकसद यही होता है कि जब ये लोग बैंक का सारा माल चोरी कर लेंगे तो वो लोग इस अंडरग्राउंड टनल से पास होकर चले जाएंगे। इसके बाद गैलो उस टनल को चेक करता है। वो अंडरग्राउंड टनल में जाकर देखता है कि क्या वो इस टनल से जा सकते हैं या नहीं लेकिन तेज बारिश के होने की वजह से पानी टनल के अंदर बहुत ज्यादा जमा हो जाता है और गैलो को ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ से नहीं जा पाएंगे। इसलिए वो फौरन उस टनल से बाहर निकलता है और लोगों को ये खबर सुनाता है। लोगों कहता है कि फिर भी हमें अपने मिशन पर काम करना होगा, हम काम नहीं रोकेंगे। वो गैलो को कहता है कि अपना काम जारी रखो, हम किसी भी तरह यहाँ से निकल जाएंगे। अब इन सब की बातें सैंड्रा सुन लेती है और उस बात का फायदा उठाती है। चूंकि उसे बैंक से निकाल दिया जाता है इसीलिए वो बैंक वालों से बदला लेने के लिए लोगों का साथ देती है। वो लोगों को एक ऐसे लॉकर के बारे में बताती है जिसमें पॉलिटिशियंस का एक ब्लैक सीक्रेट रखा होता है और उस ब्लैक सीक्रेट में ये होता है कि इस शहर के प्रेसिडेंट ने किसी को कत्ल किया था और ये सब उसी ब्लैक सीक्रेट में मौजूद होता है और उस लॉकर का नंबर होता है 314। पहले तो गैलो उसकी बात पर यकीन नहीं करता लेकिन गैलो के बार बार कहने पर वो बिल्कुल भी अपनी बात से नहीं अटलती और वो अपनी बात पर कायम रहती है। इसके बाद गैलो उसके बात पर यकीन कर लेता है और उस लॉकर से उस सीक्रेट को निकाल लेता है। साथ ही वो सैंड्रा को डायमंड्स भी दे देता है। अब इधर दूसरी तरफ एक पॉलिटिशियन जिसका नाम फेरान होता है उसे इस बात की खबर हो जाती है कि उसी बैंक में चोरी हो गई है जिस बैंक में उनका एक ब्लैक सीक्रेट रखा होता है। इसीलिए वो इस बात के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो पुलिस को लेकर बैंक के पीछे आ जाता है और वहाँ पर रॉबर्ट्स को यही कहता है कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे, तुम लोगों को एक समझौता करना होगा, अपना यह
सारा माल जो तुम लोगों ने चोरी कर लिया है इसे हमारे हवाले कर दो। तुम लोगों को हम लोग एक महफूज गाड़ी में जेल लेकर चले जाएंगे। तुम लोग जैसे ही जेल जाओगे तो हम लोग फौरन से तुम लोगों की जमानत कर लेंगे, लेकिन इसके बदले तुम लोगों ने जो कुछ चोरी किया है इस बैंक में वो सब तुम लोगों को हमारे हवाले करना होगा। लोगों को फरहान और पुलिस वालों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, उसे यही लगता है कि ये सब इनका एक ट्रैप है। दरअसल पुलिस वालों ने जो वैन तैयार रखी थी इन चोरों के लिए, उस वैन में दरअसल बॉम्ब होता है। अब जैसे ही वैन थोड़े फासले पर जाएगी तो ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए लोको और गैलो दोनों को इस बात पर यकीन नहीं आता और वो कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करते। वो दोबारा से उसी टनल से पास होने की कोशिश करते हैं और इस बार वो आखिरकार इस चीज में कामयाब हो जाते हैं और वो उस टनल से गुजर कर चले जाते हैं। साथ ही वो सारा माल जो उन्होंने इस बैंक से चोरी किया था वो भी अपने साथ लेकर जाते हैं और ब्लैक सीक्रेट भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं और पुलिस वही के वही हाथ के हाथ धरे रह जाती है। फरहान भी इस इंतजार में होता है कि कब रॉबर्ट्स आएंगे और कब हम उन्हें मार देंगे, लेकिन वो लोग नहीं आते। अब मूवी के आखिर में हमें ये पता चलता है कि लोको और गैलो और इसके साथ ही ये सब लोग पेशे से चोर नहीं थे। ये लोग ये सब सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें ये काम करने के लिए बहुत भारी रकम मिल रही थी, क्योंकि इनके सर पर बहुत बड़ा उधार था और उस उधार को चुकाने के लिए ये लोग ये सब कर रहे थे। इसीलिए लोको जब इस बैंक सीक्रेट को एक्सपोज करता है तो उसे सब पता चल जाता है और वो मीडिया में ये बात पब्लिश कर देता है। जब मीडिया को बात पता चलती है कि हमारे शहर के प्रेसिडेंट ने कत्ल किया है और उसे छुपा लिया है कानून की नजरों से, इसीलिए वो प्रेसिडेंट और उसके सारे पॉलिटिशियंस को अरेस्ट कर लेते हैं और इस तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।